हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कलर ऑफ थ्रेड्स। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ प्लाजो के ऊपर आपने बेल्ट किस तरीके से लगानी है और इलास्टिक कैसे लगानी है और इलास्टिक कितने इंच की आपने लगानी है। इसका पूरा डिटेल में इस वीडियो में आप सीखेंगे, तो इस वीडियो को पूरा आपने देखना है ताकि जो भी मैंने स्टेप बताए हैं आप अच्छे से उसे समझ सकें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और इस प्लाजो पर मैं आपको बेल्ट बनाना सिखा रही हूँ। इसको मैंने पूरा स्टिच कर लिया, सिर्फ कमर वाली साइड से मैंने 3-3 इंच लूज छोड़ दिया ताकि मैं आपको इस पर बेल्ट बनाना सिखा सकूँ। बैक वाली साइड में हमें इलास्टिक लगानी है। इलास्टिक के लिए मैंने 1/4 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है। लंबाई इसकी 17 इंच है। तो आपको मेजरमेंट किस तरीके से करना है इलास्टिक का, जितना भी आपका हिप अराउंड था, हमारा हिप अराउंड है प्लाजो का 42, तो 42 को डिवाइडेड बाय 2 कर लेना है, यानी कि हाफ़ कर लेना उसको। और हाफ़ करने के बाद उसमें से 4 इंच कम कर लेने हैं, यानी कि 17 इंच हमारी इलास्टिक आएगी। तो 17 इंच इलास्टिक मैंने ले ली है। आपका जितना भी हिप अराउंड आ रहा है उसमें से आपने डिवाइडेड बाय 2 कर लेना, उसको हाफ़ करने के बाद उसमें से 4 इंच कम कर लेना, तो उतनी इलास्टिक आपने प्लाजो में डालनी है। तो बैक पर हमारी इलास्टिक आएगी और आगे वाली साइड पर हमने लगानी है बुकरम। बुकरम हमें डालनी है 21 इंच लंबाई में, क्योंकि आगे प्लाजो की साइड हमने उतने ही कट की थी। इस कटिंग का वीडियो मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी, वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो 21 इंच यहाँ पर आगे की बेल्ट आएगी। और बेल्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लगभग 4.25 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है और लंबाई में इसको ज़्यादा ही लेना है क्योंकि पूरी कमर पर इसे हमें लगाना है। तो यहाँ पर प्लाजो को आपने सीधा रखना है और इस पट्टी को भी सीधा रखेंगे और इसे पूरे पर हमें सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से दोनों साइड्स पर हमें पट्टियाँ अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पर बेल्ट के लिए हमने दोनों साइड्स पर पट्टियाँ लगा दी हैं। अब सबसे पहले हमें आगे वाली साइड को लेना है और इस पर बुकरम अटैच करनी है। और यहाँ पर मैं सिंपल बुकरम का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो पेस्टिंग वाली बुकरम का यूज़ कर सकते हैं। पेस्टिंग बुकरम को पहले अपने कपड़े पर सेट कर लेना है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको ऊपर की ओर ही रखना है हमें। और यहाँ पर जो पट्टी अटैच करने के लिए हमने सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी के ऊपर हमें बुकरम को रखना है। और कपड़े को इस तरीके से ऊपर फोल्ड करेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन को बुकरम के नीचे दबा देना इस तरीके से। और जो पहले वाली हमने सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। और कपड़े को बिल्कुल भी आपने लूज़ नहीं छोड़ना है। और यहाँ पर बिल्कुल किनारे पे हमें सिलाई लगानी है। कपड़े को बिल्कुल बुकरम के साथ सेट करते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमारी बुकरम अटैच हो चुकी है और बिल्कुल भी इसमें झोल नहीं आ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी बुकरम को अटैच करना है। तो अब हमें बैक वाली साइड पर इलास्टिक लगानी है। इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से देखें किस तरीके से आपने इलास्टिक को रखना है। ये हमारी सीधी वाली साइड है और जो हमने बेल्ट आगे की तैयार किया उसको नीचे रखेंगे और बैक वाले कपड़े को ऊपर फोल्ड करना है। दोबारा से मार्जिन को इस तरीके से फोल्ड कर दें। एक बार आपको मैं फिर से समझा देती हूँ। इस तरीके से जो पट्टी हमने बनाई थी वो नीचे रहेगी, मार्जिन को ऊपर फोल्ड करेंगे और जितनी आपने आगे की पट्टी तैयार की थी बिल्कुल उतना ही आपने ये कपड़ा फोल्ड करना, उससे नीचे आपको कपड़े को फोल्ड नहीं करना। अब हमें इलास्टिक को रखना है ऊपर। इलास्टिक को आपने ऊपर वाली साइड से बराबर रखना और नीचे वाली साइड से एक पैर का मार्जिन छोड़ना है ऐसे। और पिन के साथ यहाँ पर इलास्टिक को सेट कर लेंगे और यहाँ से मैं सिलाई लगाना शुरू करूँगी। और इलास्टिक के ऊपर डबल सिलाई लगाएं ताकि आपकी इलास्टिक निकले ना। एक साइड पे हमने सिलाई लगा ली है, दूसरी वाली साइड पे आपने पहले चेक कर लेना है कि आपका बीच में से इस तरीके से झोल तो नहीं आ रहा। तो झोल के लिए आपने इस तरीके से इलास्टिक को सीधा कर लेना है और चेक करने के बाद ही आप इलास्टिक पर सिलाई लगाएं। और इस वाली साइड पर भी आपको वैसे ही कपड़े को फोल्ड करना है जैसे कि हमने दूसरी साइड पर किया था। तो दोनों साइड्स पर हमने इलास्टिक सेट कर ली है। अब इस इलास्टिक को हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ऐसे हमने इलास्टिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और अब देखिए दोनों साइड का जो मार्जिन था वो हमारा अंदर की ओर दब गया है और यहाँ से इस तरीके से हमारी फिनिशिंग आई है। अब यहाँ पर बिल्कुल हमें किनारे पर सिलाई लगानी है और इलास्टिक हमारी यहाँ पर ऊपर की तरफ है। इलास्टिक के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी, बिल्कुल कपड़े के ऊपर ही हमारी सिलाई आनी चाहिए। तो
इस तरीके से हमें इलास्टिक को साथ के साथ खींचते जाना है और खींचते हुए यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर हमें सिलाई लगाएंगे। ये इलास्टिक हमारी प्लाजो के हाफ साइड पे आएगी, यानी कि पीछे की साइड पर आएगी। अगर आप प्लाजो पर फुल इलास्टिक डालना सीखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी, वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे वाली साइड पर हमने सिलाई लगा ली है। अब देखिए कहीं पर कपड़ा कम ज़्यादा है तो यहाँ पर अच्छे से 3-4 बार इलास्टिक को ऐसे खींच लेना है आपको, तो आपकी इलास्टिक पूरी सेट हो जाएगी। इलास्टिक को सेट करने के बाद इलास्टिक के सेंटर में अब एक सिलाई लगाएंगे। पहले इलास्टिक पर इस तरीके से एक सीधी सिलाई लगानी है और अब यहाँ पर सेंटर पर एक सिलाई लगाएंगे हम। और इलास्टिक को बिल्कुल आपने खींच के रखना है अच्छे से। और यहाँ पर पूरे इलास्टिक पर हमने सिलाई लगा दी है और हमारी बेल्ट बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इलास्टिक हमारी अच्छे से लग चुकी है और इसको सीधा करने के बाद मैं आपको भी दिखाती हूँ। और तैयार कमर इसकी आ रही है 17.5 इंच और 21/22 हिप के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो फ्रेंड, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट करना ना भूलिएगा, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।